हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है डिफाइन करने के लिए अगर हम बोले तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसके बराबर होता है? चार्ज के फ्लो के बराबर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर। बट क्या आपको समझ में आया? आई होप समझ में नहीं आया होगा, तो हम और इसको डीप में समझते हैं। तो जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता है और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पास करता है, तो कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम इंटरवल में, वो हमें किससे पता पड़ता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि इलेक्ट्रिक करंट को कंसिडर करते हैं आई से, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्यू अपॉन रेट का मतलब क्या होता है? तो इसमें रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया? क्यू बाय टी हो गया। अब आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी आ गया, ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। जैसे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था क्यू इक्वल्स टू एनी, अब ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया आज, क्यू इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो बहुत ईजी तरीका है। क्या तरीका है? हमें कुछ नहीं करना, चार्ज की एसआई यूनिट लिखनी है ब्रैकेट में। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड को, एक कूलम पर एक सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं? एक एम्पियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक कूलम का चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम इंटरवल में? एक सेकेंड में। तब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना करंट प्रोड्यूस होगा? एक एम्पियर का। एम्पियर इसकी एसआई है और सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल ए। तो फिर से देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा चार्ज, हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। तो जब मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था तब एक बात और ये बताई थी कि जब भी हम चार्जेस के ट्रांसफर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा सिर्फ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल किसका लेते हैं हम? मान लीजिए कॉपर दे रखा है आपको। कॉपर का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कितना आता है? 2.8.18.1, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस तरह से सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है वो देखते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का, कॉपर के एटम का। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके आसपास क्या है? एनर्जी शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। तो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट। अगर आप पहले ऑर्बिट में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये बहुत इजीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको कल बताया था या इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी चार्जेस मूव करेंगे तो सिर्फ कौन सा चार्ज मूव करेंगे? सिर्फ नेगेटिव चार्ज, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ एम्बेडेड है? न्यूक्लियस के अंदर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ एम्बेडेड है? न्यूक्लियस के अंदर। और इस न्यूक्लियस में से उस पॉजिटिव चार्ज को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। बट सिर्फ कौन सा चार्ज मूव कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, दैट इज सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि वो मेटल क्या कर सकता है? दे सकता है। तो कॉपर के केस में हमारे पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन? तो अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? कॉपर की वायर है और इस कॉपर की वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। हमारे पास यहां पे एक बैटरी है और यहां पे हमारे पास एक की है। तो अगर आप देखें यहां पे तो अब ये जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब
कौन मूव कर सकता है, जैसे आपको अभी समझ में आया कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, तो इस कॉपर के कंडक्टर के अंदर क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मानते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहां पे, अब अगर आप यहां पे देखो तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ, और ये जो नेगेटिव है इन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जितने भी कॉपर के एटम हैं, उन कॉपर के एटम के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। वो कहां से ट्रैवल करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे, दैट इज वो ये वाला डायरेक्शन में। तो इस तरह से क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन अगर हम देखें तो कितना नंबर ऑफ चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, तो हम पता कर सकते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो चार्ज जा रहा है, तीन चार्ज जा रहा है, कितने टाइम इंटरवल में, हम टाइम इंटरवल काउंट कर लेते हैं कि कितने टाइम इंटरवल में कितना नंबर ऑफ चार्जेस जा रहा है, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि हमेशा सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा इन केस ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर। बट जब हम आयनिक कंडक्टर की बात करते हैं तब वहां पर पॉजिटिव भी मूव करता है और नेगेटिव भी मूव करता है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बट पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब भी हम मेटलिक कंडक्टर की बात करेंगे सिर्फ नेगेटिव चार्जेस, दैट इज सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, इट विल ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है और इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसकी हमने एस एल निकाल ली, एम्पियर, एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं कि जब एक कूलम का चार्ज फ्लो करता है एक सेकंड में, तब हम उसको डिफाइन करते हैं एक एम्पियर। इसके अदर यूनिट्स भी हैं, तो अदर यूनिट्स में हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर, जो कि होता है 10^-3 एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर, जो कि होता है 10^-6 एम्पियर। तो हाल फिलहाल आप 10th क्लास में सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं आएगा। तो आपको आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है I=Q/T। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आयनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तब उस केस में किस तरह से करंट फ्लो करता है या किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन NaCl का। अब अगर आपको पता हो तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन डिसोसिएट होंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सोडियम के आयन से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सोडियम आयन क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जो क्लोरीन के आयन्स है वो किस तरफ मूव करेंगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नेट फ्लो बनेगा, किसका बनेगा, नेगेटिव चार्जेस का फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव का बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से क्या होगा, ये आयन से करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड मीडियम फॉर द करंट टू फ्लो। तो इन्हीं आयन्स की वजह से जो मीडियम होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग मीडियम होता है, और फिर जो करंट है वो क्या करता है, फ्लो करता है इन केस ऑफ आयनिक चार्जेस। तो चार्जेस की जब बात करें तो चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में भी होगा और आयन्स के फॉर्म में भी होगा। जब पार्टिकल के फॉर्म में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, जब आयन्स के फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव भी फ्लो करेगा और नेगेटिव भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि पॉजिटिव चार्ज तो जैसे मूव नहीं करता, बट आयन्स के पॉजिटिव भी मूव करेगा और नेगेटिव भी मूव करेगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जैसे I=Q/T हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, Q=Q किसके बराबर होता है, Ne के बराबर, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ। इसी फॉर्मूले को आगे अगर हम देखें तो करंट के इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो I=Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो I=Q कितना हो जाएगा, Ne/T। तो करंट का एक ही फॉर्मूला भी निकल के आता है, दैट इज I=Ne/T। तो ये तीन फॉर्मूले अब अपन ने पढ़ लिए, पहला अपन ने पढ़ा था Q=Ne, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था I=Q/T, और तीसरा फॉर्मूला हमने इन दोनों फॉर्मूले से डिराइव किया, दैट इज I=Ne/T। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उनको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम डिस्कस करेंगे करंट डायरेक्शन के बारे में, करंट की डायरेक्शन क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर।
तो करंट के डायरेक्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए अपन पहले डायग्राम बनाते हैं एक सिंपल सर्किट का और फिर आगे समझते हैं कि किस तरह से करंट फ्लो करता है। तो अब हम बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सर्किट है। इस सिंपल सर्किट में एक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी। उस कंडक्टर में बहुत सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हमने पहले समझा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, दे आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है। कंफ्यूज हो गए कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन उस तरफ क्यों है? तो इसका रीजन है, और रीजन बहुत ही सिंपल सा है। उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता है इंडिया में हम लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, मतलब हम हमेशा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। अगर आपको सडनली ये कह दिया जाए कि आपको अब से गाड़ी राइट हैंड की तरफ चलानी है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा। तो यही सेम फंडा किसमें हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में भी यही हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की जो बात अपन करते हैं, तो कब करते हैं अपन, इट इज डेटिंग बैक टू 1727, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने में क्या किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव को कॉइन किया था। याद करो 1727 में आप 150 इयर्स ऐड कर दीजिए and that gives you 1877 में डिस्कवरी हुई थी किसकी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की। और वो डिस्कवरी किसने करी थी, जे.जे. थॉमसन ने करी थी। तो आप यहां देखो कि कितने साल निकल गए, 150 साल। और 1877 से लेकर 2020 तक और 120 और साल ऐड कर दो आप यहाँ पे 2020, डिफरेंस निकाल के देखोगे तो इट इज मोर देन 200 to 250 ईयर्स। तो 250 साल से हम करंट डायरेक्शन क्या मानते आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब अगर कोई सडनली बोले कि हमें इस डायरेक्शन को रिवर्स करना है, हमें इसको करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये बहुत बड़ा केओस क्रिएट करेगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और इसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मेहनत लगेगी। इसलिए जो करंट डायरेक्शन हमने पहले मानी थी, कब मानी थी, राइट अबाउट अराउंड 1727 में जो करंट डायरेक्शन मानी थी, वही डायरेक्शन हम अभी भी मान के चलते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी करंट की डायरेक्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बहुत साल गुजर चुके हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसको छेड़ा नहीं और इसको एज इट इज हमने माना, दैट इज करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज किसका, किसी भी मेटलिक कंडक्टर का, इट विल ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब हम करंट की बात करते हैं तो क्या करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सा, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और इसी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो और समझ में नहीं आ रहा, तो हमेशा रोड वाला एग्जांपल लेना कि अगर आप लेफ्ट हैंड पे ड्राइव कर रहे हो, सडनली आपको राइट हैंड पे ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाए, तो इट विल क्रिएट अ वेरी ग्रेट कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट होगा। खैर हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर, बहुत सारी मेहनत बर्बाद जाएगी, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई नहीं किया और वही डायरेक्शन हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए हमने करंट डायरेक्शन को भी रिवर्स नहीं किया और उसको हम उसी तरह से मानते हुए आए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास क्या, एक पहाड़ है, उस पहाड़ के सबसे टॉप पे रखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है,
और उस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, हल्का सा धक्का दिया, धक्का दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बीच में क्या कर दिया, हमारा एक सोर्स लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो करंट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन क्या हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कंडक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक मूव करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन टॉप से लेकर बॉटम तक मूव करेगा, तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, वर्क करेगा। अब वर्क किसके ऊपर हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो रहा है। तो यही जो वर्क डन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन बताने के पहले एक फैक्ट कि अगर हम साइज ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज बहुत 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 छोटा होता है। कितना छोटा, कि एक सुई की नोक पे देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। तो बहुत छोटा चार्ज है, तो उस बहुत छोटे से चार्ज के लिए कोई भी स्पेस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट स्पेस हो जाएगी, बहुत बड़ा वास्ट स्पेस हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। जैसे कि यहाँ पर हम वर्क डन कर रहे हैं किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, कि ये चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, वर्क डन होगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक लाने में उसने क्या किया, कोई ना कोई काम किया। तो दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, तो उस पर्टिकुलर चार्ज को लाने के लिए जो काम किया गया, कहां से, किसी इनफाइनाइट पोजीशन से। तो इनफाइनाइट पोजीशन क्यों बोली, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए कितना ही स्पेस ले लो, आप बहुत छोटा सा स्पेस लोगे, दैट विल बी आल्सो एक्टिंग एज एन इनफाइनाइट स्पेस। तो उस इनफाइनाइट या उस बहुत बड़े से स्पेस में जो पोजीशन होगी वो किसी तरह काम करेगी एज इनफाइनाइट पोजीशन। तो अगर हम किसी चार्ज को उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके रख दें, तो कहां से लाके रख दें, किसी इनफाइनाइट पोजीशन से लाके रख दें, कहां पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहीं से हम क्या करते हैं, इसकी इसका फॉर्मूला निकालते हैं, फिर उसकी एसआईएनआर भी निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेंशियल को किसी डन करते हैं अपन वी से, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क डन किसके ऊपर, किसी चार्ज के ऊपर। तो v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू w अपॉन q, दैट इज पोटेंशियल विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके एसआईएनआर निकालते हैं, तो एसआईएनआर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, वर्क डन की एसआईएनआर क्या होती है, जूल्स, और चार्ज की एसआईएनआर क्या होती है, कूलम्ब। तो यही जूल पर कूलम्ब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की एसआईएनआर हो जाएगी। इसी एक जूल और एक कूलम्ब को हम क्या बोलते हैं, वन जूल पर वन कूलम्ब को हम बोलते हैं वन वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो जूल पर कूलम्ब या फिर वोल्ट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की एसआईएनआर हो जाएगी। वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, वन वोल्ट क्या होता है, जब हम एक जूल का काम कर रहे हैं किसके ऊपर, किसी एक कूलम्ब के चार्ज के ऊपर, तो जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वन वोल्ट के बराबर होगा। तो ध्यान रखना हमेशा कि पोटेंशियल की एसआईएनआर क्या होगी, वोल्ट होगी या फिर जूल पर कूलम्ब होगी। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए कि पोटेंशियल की अदर यूनिट क्या है, तो अदर यूनिट क्या जाएगा, जूल पर कूलम्ब आ जाएगा। और इसकी एक्चुअल यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एक्चुअली एसआईएनआर क्या होती है, वोल्ट, और अदर एसआईएनआर क्या हो सकती है, इसकी जूल पर कूलम्ब। तो यहां से हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला अगर आपको निकालना आ गया, अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो आप इजीली डेफिनेशन बना सकते हो, या फिर वाइस वर्सा भी सही है कि अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज चूज करो, और जो आपको सिंपल तरीका लगता है उस सिंपल तरीके से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो, ठीक है। या तो फॉर्मूला याद करो या फिर डेफिनेशन याद करो, और डेफिनेशन जब भी फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूले से ही आप डिराइव करना सीखोगे, हमेशा ऐसा यूनिट डिराइव करना सीखोगे। जैसे यहाँ पर भी करी, वर्क एसिड लिखी जूल, चार्ज के एसिड लिखी कूलम्ब, और हमने इसकी क्या निकाल ली, पोटेंशियल की एसिड निकाल ली। तो पोटेंशियल की एसिड कितनी हो गई, एक जूल पर एक कूलम्ब, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है, तो वोल्ट का सिंबल हमेशा याद ध्यान रखिएगा, कैपिटल वी लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम पहले समझते हैं वाटर कैसे फ्लो करता है। तो वाटर फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हायर ग्राउंड चाहिए और एक लोअर ग्राउंड चाहिए। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर ग्राउंड टू अ लोअर ग्राउंड। बिल्कुल इसी तरह से करंट भी फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करेगा,
कुछ हायर चाहिए और कुछ लोअर चाहिए, तो क्या हायर चाहिए हमें चाहिए, हायर पोटेंशियल चाहिए लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कम होंगे। और लोअर पोटेंशियल क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बहुत ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली जब हम किसी सेल की या बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और पॉजिटिव पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं निकल रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां, यहां पर। और यहां से निकल के कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है कम है। तो अब हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, करंट कंटिन्यूसली फ्लो कराना है, तभी हमारा जो सोर्स है वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे बल्ब है वो ग्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, कि एक तरफ है हमारे पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ है हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाई पोटेंशियल। और जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लो पोटेंशियल। तो जिस तरह से पानी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड चाहिए, उसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कि हमारे पास एक तरफ होना चाहिए हाई पोटेंशियल, एक तरफ होना चाहिए लो पोटेंशियल। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस तरह ऐड करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किस तरह ऐड करेगा, एज लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कौन मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, और ये फ्लो करने के में हेल्प कौन करेगा, बैटरी या सेल के केमिकल हेल्प करेंगे। तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता रहेगा और हमारे पास क्या क्रिएट करता रहेगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमारे पास एक और चीज है, कि मान लीजिए किसी दो पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, कोई भी चार्ज ले लिया अपन ने, क्यों, इस चार्ज को मुझे क्या करना है, उठा के रखना है कहां पर, पॉइंट बी पर। तो मैंने इस चार्ज को लिया और उठा के कहां रख दिया, पॉइंट बी पर रख दिया। तो इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई क्या किया गया, काम किया गया। पहले तो मैं चार्ज को कहीं पॉइंट ए पे लाया होगा, फिर उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गया हो। तो क्या होगा, हमने क्या किया, इस चार्ज को किसी पॉइंट से ए पर लेके आए, तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया, ए वी ए हो गया। इसी चार्ज को उठा के हमने क्या कर दिया, पॉइंट बी पर रख दिया, तो पोटेंशियल में कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो पोटेंशियल कितना हो गया, बी हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस आया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किया गया काम और यहां तक लाकर चार्ज को लाने पे किया गया काम क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मैराथन कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल भी क्या होता है, अलग अलग। अगर छोटी मैराथन है तो आप बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, अगर बड़ी मैराथन है तो आप बहुत देर बाद खत्म कर पाएंगे। तो उसी तरह से चार्ज भी क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। तो यही अलग अलग काम की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। तो हम पहले ए पर लेके आए, फिर कहाँ लेके गए उसको, बी पर लेके गए। तो ए तक लाने के लिए पोटेंशियल कुछ और था, बी पर ले जाने के लिए पोटेंशियल कुछ और था। तो दोनों पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो दिस डिफरेंस इज गिवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। तो वी ए बी विल बी इक्वल कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, दैट इज वी ए बी क्या है, इट इज वर्क डन किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पोटेंशियल की बात करी, पोटेंशियल भी क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, कि हम उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल में क्या हुआ था, हम चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए थे। तो ये बेसिस है, डिफरेंस है। तो वी ए बी इक्वल्स कितना हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। इसी एक जूल पर एक कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, एक वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो असाइनमेंट है, दैट इज वोल्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर वी से। तो कंफ्यूज नहीं होएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू अ पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है,